और काफ़ी दिन के बाद मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, और पहले कबूतर देख लो कौन सा है, वही बच्चा है जो छत पर जाकर बैठता था, तो अभी उड़ाते हैं इसको। ठीक है, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होगा, आपकी कबूतरबाजी बड़ी चलेगी, आपके सारे पेट एनिमल अच्छे होंगे। सो गाइस, देखो तो अभी अब सुबह सुबह का समय है और थोड़ा मतलब दोपहर सा हो गया एक तरह से, और अभी फर्स्ट टाइम मतलब मैं दोपहर के समय आया हूँ, और अभी जो है यहाँ पर हमने कबूतर खोल दिया, और आज जो है मैं कबूतर उड़ाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जो हमारे पास एक बच्चा है वो परिंदा, और बाकी सब तो आपको पता ही है कैच है, और ये नए कबूतर इनको तो अभी उड़ा नहीं सकते, तो कैच ही अभी जोड़ है, और वो आपको पता है उसका बाजू हैंड है, और ये अभी मतलब उड़ने के लायक नहीं है सब। ठीक है, बस एक बच्चा ही है जिसको मैंने अभी पेटी में बंद कर रखा, लेकिन आपको पता है मैं बच्चे को जब भी उड़ाता हूँ, पहले उड़ाता था जाके वो छत पर बैठ जाता था पिछली साइड वहाँ पे, तो अब जो उसके लिए मैं एक उपाय ढूंढा हूँ, एक जगह मैंने वीडियो देखा था, तो वही अभी तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और अगर आपका भी कबूतर कहीं बैठता होगा तो ये तरीका मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगर ये तरीका काम करेगा तो आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करना, और आपका कबूतर जो कहीं पर नहीं बैठेगा, ठीक है, अगर बैठने वाला अभी होगा तो आदत छोड़ देगा। ठीक है, तो ये मैंने एक पंजाब की वीडियो थी, मतलब भाई की, मतलब डाले थे इंस्टाग्राम पर, मैंने देखी थी कि उसने जो कुछ मतलब कबूतर के साथ कुछ सीन किया था ऐसा कि वो कबूतर मतलब किसी के छत पे बैठ नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने उसको बंद कर रखा अभी अंदर, उसके साथ भी मैं ऐसा ही सीन करने वाला हूँ। और अभी पहले क्या करता हूँ, पहले उस कबूतर को निकालता हूँ, और फिर उसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करूँगा और कैसे उड़ाऊँगा कबूतर को, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और मौसम भी काफ़ी मस्त रखा है, जैसे तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, तो कबूतर को भी उड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और यहाँ पर सारे कबूतर खुले हुए हैं मस्ती में, तो पहले मैं उस कबूतर को निकालता हूँ बाहर, और उसके बाद दोस्तों सो गाइस देखते तो अभी जो है कबूतर इसके अंदर बंद है, तो अभी इसको निकालूंगा और आपको तरीका बताऊंगा कैसे करके जो आप उस ट्रिक से उड़ा सकते हो अपने कबूतर को, जो आपका कबूतर कहीं पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कबूतर को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, देख सकते हो इसका पूरा पर है, और फिर भी जब भी मैं उड़ाता हूँ, आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियो देखा होगा, ये जाके उधर सर पिछली साइड छत पे जाके बैठ जाता है टंकी पे, और बैठा रहता है, शाम को आता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर रखा है, इसलिए इसको देख सकते हो इसके पर देखो कितने गंदे हो गए, मैं मतलब टेप लगा कर रख रखा था इसको पर पे, तो इसको काफ़ी देर मतलब हाथ से पकड़ के इसको बंद करना पड़ा था, तो काफ़ी गंदा हुआ क्योंकि ऊँचे कलर खन्ने में रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है, तो तरीका ये है, आपको एक टेप लेना है, कोई सा भी टेप ले सकते हो, ऐसा भी टेप ले सकते हो, चाहे कोई सा भी टेप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको इसके पंजे को देख सकते हो ऐसे पकड़ लेना है दोस्तों, देखो जैसे मैं पकड़ रखा हूँ, और इसको एक उंगली को जो ऐसे पीछे कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है टेप मारना है इस पर, देखो जैसे मैं मार रहा हूँ, ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल, एक बार मैं दोबारा टेप निकालता हूँ। सो गाइस देख सकते हो अभी टेप मतलब वो मैंने फाड़ा था ना तो फट गया था, तो अभी दोबारा मैंने जो इसका मुंह ढूंढ लिया है, और उसका देखो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे कबूतर को पकड़ लेना है, और इसका एक नाखून को जो है ऐसे पीछे करना है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर जो आपको टेप पकड़ लेना है, और इसका जो टेप मार देना है अच्छे से, जैसे मैं मार रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मारते हुए जाना है आपको, ये पूरा आपको बंद कर देना है, तीन पंजे जो इसके बिल्कुल ऐसे बंद कर देना है, ताकि ये जो अपना पैर को खोल ही ना पाए और ये कहीं पे लैंड ना कर पाए। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मार देता हूँ प्रॉपर, ये देखो दोस्तों, ये जो मैंने इसको मार दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये पैर नहीं खोल पाएगा, देखो। सो दोस्तों अब देखो, दूसरे पैर को भी हमने एक पैर पे लगा दिया, तो अब दूसरे पैर पे भी ऐसे सेम तरीके से मार देंगे टेप। ठीक है, देखो दोस्तों, इसको जो है हम अच्छे से मार देंगे टेप, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों हमने दोनों पैर में जो देख सकते हो कैसे टेप मार दिया है, और इसकी उंगली अभी खुल नहीं सकती प्रॉपर अच्छे तरीके से, अब ये पैर नहीं खोल पाएगा, और देख सकते हो अभी ये कबूतर है, तो पहले क्या करते हैं उन कबूतरों को हम अंदर कर देते हैं, तो ये उड़ने लगेगा। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पेटी के अंदर डालूंगा तो मैं उन कबूतर को डालूंगा तो ये पर से उड़ के बाहर निकल जाएगा, फिर बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसके अंदर नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने इसको जो डाल दिया। ठीक है, और सो गाइस देखते हो यहाँ पे हमारे सारे कबूतर खुले हुए हैं, तो इनको जो अभी बंद कर देते हैं, और उस कबूतर को जो है मैंने डब्बे में बंद कर दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया था, देखो सर, तो वो देखो बंद है, और यहाँ पर रोहित भाई हैं। ठीक है, तो इन कबूतरों को भी अभी अंदर कर लेते हैं, और उसका दोस्तों मैं आपको उड़ा के दिखाऊँगा कैसे उड़ेंगे वो कबूतर अंदर, मतलब बढ़िया से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, छत पर बैठेगा तो नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन कबूतरों को बंद कर लेते हैं, चलो 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 चलो। ठीक है, तो इस सारे कबूतर को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और ये सारे अंदर जाने लगे हैं, चलो 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 चलो। तो इनको जो है अपने अपने खंधे में डालते हैं, जो उनसे खंधे में रहते हैं ये। ठीक है, देखो दोस्तों, ये मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर, और ये दोनों को जोड़ लगा रहा था लेकिन लग नहीं रहे थे, तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, ये बेचारा अलग अकेला है, कोई बात नहीं, इसे मैंने कबूतर को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं और उस कबूतर को निकालते हैं और उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो पहले इसको कुंडी बंद कर देता हूँ,
कहीं कबूतर निकल गया तो बाहर, ठीक है, और कबूतर इसके अंदर है, ठीक है। तब इसको निकालते हैं और उसको उड़ा के दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हो, मैंने फाइनली जो उस सारे कबूतर को अंदर बंद कर दिया, ठीक है, पेटी के अंदर, और यहाँ पे जो उस कबूतर को बंद कर रखा है मैंने, तो अब इसको निकालते हैं और उड़ा के दिखाते हैं आपको ये उड़ता है कि नहीं उड़ता है, कि कहीं छत पे तो नहीं बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे कबूतर है, ये देखो दोस्तों, ये रहा ये कबूतर है। तब इसको उड़ा के देखते हैं ये उड़ता है कि नहीं उड़ता है, कहीं छत पर तो नहीं बैठता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऐसे पकड़ लिया आराम से, और काफ़ी दिन के बाद मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, और पहले कबूतर देख लो कौन सा है, वही बच्चा है जो छत पर जाकर बैठता था। तो अभी उड़ाते हैं इसको, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैंने ऊपर फेंक दिया है और कबूतर उधर साइड चला गया। तो अभी देखते हैं, उधर साइड छत की तरफ ही गया है, तो देखते हैं ऊपर जाकर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कि कहीं उड़ रहा है, ठीक है। अभी तो इधर साइड निकला नहीं है, अभी मैंने फेंक दिया है और उधर साइड ही गया है, तो शायद पता नहीं बैठा है कि नहीं बैठा, पता नहीं कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। अभी जाके हम नीचे से उतर के भी देखेंगे कि छत पर तो नहीं बैठ गया वो जाके, ठीक है। बाकी मैंने अभी उसको उड़ाया है उस तरीके से, अगर उड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर तरीका काम कर जाए तो। अभी तक तो कबूतर यहाँ तक निकला नहीं, निकलना तो चाहिए था, तो शायद मेरे ख्याल से लग रहा है उधर साइड से गया है। तो अभी चलते हैं, अभी नीचे से आपको दिखाता हूँ कि वो कहीं बैठ तो नहीं गया। सो गाइस फाइनली तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और मतलब घेरे से बाहर आ गया हूँ, और मैंने कबूतर को उड़ाया था, तो यहाँ पर तो मेरे को दिख नहीं रहा, जहाँ पर वो बैठता है छत पर वहाँ पर तो नहीं दिख रहा मेरे को बैठा हुआ, ठीक है। पता नहीं शायद, क्या पता अंदर बैठा हो, वहाँ पर तो मेरे को अभी कबूतर नहीं दिख रहा है। और इधर से देख लेते हैं कहीं पर, इधर कहीं दिख जाए, मेरे ख्याल से लग रहा है वो कहीं बैठ तो नहीं गया। देखो दोस्तों, इधर साइड कहीं नहीं दिख रहा मेरे को वो कबूतर, ठीक है, और छत पे भी नहीं दिख रहा मेरे को बैठा हुआ, क्योंकि बैठा होता तो वहाँ पे दिखता हमको, तो कबूतर नहीं दिख रहा है। बाकी यार कबूतर तो दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ गया, ना उड़ रहा है ना दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गया। वहाँ पर देखो जंगली कबूतर गया, अभी देखो अगर वहाँ पे कबूतर होगा ना तो पक्का वो मारेगा कबूतर को, अगर होगा तो। मेरे को दिख नहीं रहा बाकी कबूतर, तो यार अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से पता नहीं, कबूतर तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया कबूतर, उड़ाए थे हमने कबूतर बिल्कुल जैसे मैंने ऐसे फेंका ऊपर गया, अरे पता नहीं कहाँ चला गया, इधर साइड आया था कहीं, बैठा हुआ नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन कबूतर देख सकते हो वहाँ पे, बस जंगली जंगली दिख रहे मुझे दो, और वो कबूतर नहीं दिख रहा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, अभी ये जो बच्चे को उड़ाए थे अभी जो छत पे आ गया, मैं नीचे से भी मैंने आपको दिखाया, छत पे तो कबूतर नहीं बैठा हुआ दिख रहा है, और पता नहीं कहाँ गया, मेरे ख्याल से शायद उधर साइड चला गया कि कहाँ गया पता नहीं चला अभी। तो अगर शाम तक में अगर कबूतर आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है कबूतर को मैंने दाना उना तो चुगा दिया, वो कबूतर बंदी हो गए हैं, और वो कबूतर मेरे को एक झलक भी नहीं दिखा। काफ़ी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी थोड़ी देर और इंतजार करूँगा, अगर आएगा तो आएगा आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर शाम को वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कबूतर को बंद कर दिया अंदर, सारे कबूतर बंद है, अगर ये बाहर आना चाहते तो आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद जो इनको बंद कर देंगे और पेटी बंद कर दूंगा, अगर वो नहीं आता है थोड़ी देर और इंतज़ार करूंगा, और वो कबूतर नहीं आएगा तो पेटी बंद कर दूंगा और फिर चलेंगे। फिर शाम को जो है मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा और देखते हैं शाम तक में वो कबूतर आता है कि नहीं आता है, कहाँ गया था कबूतर, क्या था, ठीक है। और मेरे को तो वो तरीका कुछ काम करते हुए नहीं दिखा, क्योंकि कबूतर मेरा उड़ते हुए नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कहीं जाकर मेरे ख्याल से बैठ गया क्या हुआ, ठीक है। तो शाम को आपको दिखाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइस देखो, अभी फाइनली हम सेटअप पर आ चुके हैं, और मैं कल के दिन मतलब मैं शाम को आपको नहीं दिखा पाया कि बच्चे के साथ क्या हुआ, वो वापस आया कि नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं आ नहीं पाया छत पे भी, मतलब आया था तो मतलब दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं खाली कबूतर को दाना चुगाया और उनको बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को जो कबूतर को दिखाने में, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसीलिए नहीं दिखाया। तो कल क्या हुआ, बच्चा आया कि नहीं आया, पता क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा जैसे मैं कबूतर को दाना चुगा के चला गया तो उस घड़ी तो नहीं आया था बच्चा, रात को आया था, रोहित भाई का फ़ोन आया, तो रात को शायद आया था, तो रात को शायद आया था और रोहित भाई घर पे नहीं थे, ठीक है। तो उनको छोटा वाला भाई है ना, उसने जो छोटी पेटी दिख रही हो आपको नीचे दिख रही होगी, उसके अंदर शायद उसका कबूतर को शायद बंद कर दिया, ठीक है, और उसको ढंग से बंद नहीं करने आता, आपको पता ही है राजू को ढंग से बंद नहीं करने आता है, तो उसने बंद कर दिया था। फिर जब हम सुबह आए, सुबह मतलब रोहित भाई कहीं गए थे, मतलब वो भी कुछ काम उनसे गए थे, जब सुबह वो अभी आए तो कबूतर उसमें नहीं था, तो मेरे ख्याल से गेट सही से बंद नहीं किया, वो तो शायद निकल गया, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो उड़ के कहीं और गया है, कि शायद मेरे ख्याल से कोई जानवर उनर इसको लेके गया, कहीं बिल्ली उल्ली आती है
ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा हूँ कहाँ है, अभी तो दिखा नहीं मुझे ना वहाँ पर उसके पर दिखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कबूतर जो सुबह से ही मतलब कबूतर को मैंने खोल कर रखा छत पे, तो अभी तक तो वो बच्चा आया नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। और बाकी मैं इस कबूतर को दिख रहा हूँ दोस्तों आपको अंदर है इस जोड़े इसकी कबूतरी का कबूतरी है जो इस कबूतर को जो है मैंने पूरा परंद कर दिया है और इसके पर भी आने लगे हैं क्योंकि अब जो इसको हिलाएँगे और उड़ाएँगे। ठीक है, और बाकी तो अभी बच्चा नहीं आया, अगर क्या पता शाम तक आ जाएगा। अभी मैंने तो कबूतर को दाना उना पानी चुगा दिया, देखो यहाँ पर दाना उना और पानी उनी सब चुगा दिया है और कबूतर मस्त फिर खाना उना खा के यहाँ पे मस्त हैं छत पे, और दो कबूतर तो अंदर भी चले गए हैं। तो अभी जो है इनके भी बंद कर देंगे पेटी को और देख मतलब थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर बच्चा आ गया तो ठीक है नहीं तो फिर कबूतर को बंद कर देंगे। तो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा आया कि नहीं आया। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो के चक्कर में यार बच्चा चला गया यार मतलब अच्छा ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, बाकी यार वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको इस चैनल पर इस पर कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।